गदर 2 का तूफान थिएटर्स में जलवा दिखाने के लिए तैयार है। इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक गदर का सिक्वल बिल्कुल वैसा ही माहौल बना रहा है जैसे कि इससे उम्मीद की जा रही थी। सनी देओल का तारा सिंह अवतार जनता ने पहली बार 2001 में बड़े पर्दे पर देखा था। ऊर्जा काले कावा गाने वाले प्यारे से ट्रक ड्राइवर का अपने प्यार के लिए पाकिस्तान तक चले जाना आज भी जनता की फेवरेट लव स्टोरीज में से एक है। बड़े पर्दे पर सनी के एक्शन का भौकाल इस फिल्म की सबसे खास बात थी। अब गदर 2 में तारा सिंह फिर से पाकिस्तान जा रहे हैं। इस बार वो अपने बेटे के लिए सरहद पार करते नजर आएंगे। 22 साल बाद आ रहे सिक्वल के लिए जनता की एक्साइटमेंट कैसी है इसका सबूत तो फिल्म की एडवांस बुकिंग ही बताती है। बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन गदर 2 बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग बहुत दमदार है और अनुमान इशारा कर रहे हैं कि इस साल के कई बड़े रिकॉर्ड्स गदर 2 के ढेर होने वाले हैं और इस साल के कई बड़े रिकॉर्ड्स गदर 2 ढेर करने वाली है। आइए बताते हैं कि पहले दिन कितना कमाने वाली है गदर 2 और इसके नाम कौन से रिकॉर्ड होने वाले हैं। सनी देओल की फिल्म को मिली एडवांस बुकिंग लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड फिल्मों को मिली सबसे बड़ी बुकिंग्स में से एक है। इन फिल्मों की बात करें तो अभी तक सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग शाहरुख खान की पठान को मिली है। शाहरुख की कमबैक फिल्म के ओपनिंग डे के लिए सिर्फ नेशनल चेन्स में ही 5.5 लाख से ज्यादा टिकट एडवांस में बुक हो गए थे। इसके बाद ब्रह्मास्त्र आती है जिसके पहले दिन के लिए नेशनल चेन्स में 3 लाख से कुछ ज्यादा टिकट बुक हुए। प्रभास की आदि पुरुष के लिए ये आंकड़ा 2.9 लाख था। वहीं बता दें एक रिपोर्ट बताती है कि नेशनल चेन्स में गदर 2 के 2.85 लाख टिकट एडवांस में बुक हुए, यानी कि ये लॉकडाउन के बाद किसी बॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी बुकिंग है। गदर 2 ऐसी फिल्म है जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में तगड़ा बिजनेस करेगी। मेट्रो शहरों से बाहर छोटे सेंसर्स में सनी की फिल्म क्या कमाल करने वाली है इसका असर सीधा फाइनल कलेक्शन में ही नजर आएगा। एडवांस बुकिंग का ट्रेंड बताता है कि दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो शहरों के साथ ही पटना गोरखपुर जयपुर जैसे शहरों में भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। गदर 2 का नोवेल्टी फैक्टर ये है कि 22 साल के इंतजार के बाद आ रही है और सनी के बेहद पॉपुलर एक्शन अवतार को लेकर ये आ रही है, इसलिए थिएटर्स में वॉक इन ऑडियंस की भरपूर मात्रा होने वाली है। एक बार आपको हम फिर से बता रहे हैं कि गदर 2 का तूफान थिएटर्स में जलवा दिखाने के लिए तैयार है। इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक गदर का सिक्वल बिल्कुल वैसा ही माहौल बना रहा है जैसी इससे उम्मीद की जा रही थी। सनी देओल का तारा सिंह अवतार जनता ने पहली बार 2001 में बड़े पर्दे पर देखा था। ऊर्जा काले कावा गाने वाले प्यारे से ट्रक ड्राइवर का अपने प्यार के लिए पाकिस्तान तक चले जाना आज भी जनता की फेवरेट लव स्टोरीज में से एक है। बड़े पर्दे पर सनी के एक्शन का भौकाल इस फिल्म की सबसे खास बात थी। अब गदर 2 में तारा सिंह फिर से पाकिस्तान जा रहे हैं। इस बार वो अपने बेटे के लिए सरहद पार करते नजर आएंगे। 22 साल बाद आ रहे सिक्वल के लिए जनता की एक्साइटमेंट कैसी है इसका सबूत फिल्म की एडवांस बुकिंग से ही मिल जाएगी और साथ ही बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन गदर 2 बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग बहुत दमदार है और अनुमान इशारा करते हैं कि इस साल के कई बड़े रिकॉर्ड्स गदर 2 से ढेर होने वाले हैं। तो चलिए ये भी जानने की जरूरत है कि गदर 2 को लेकर क्या कुछ अनुमान है और जो बता रहे हैं वो सुनिए। सनी देओल की फिल्म को मिली एडवांस बुकिंग लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड फिल्मों को मिली सबसे बड़ी बुकिंग्स में से एक है और इन फिल्मों की बात करें तो अभी तक सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग शाहरुख खान की पठान को मिली है और शाहरुख की कमबैक फिल्म के ओपनिंग डे के लिए सिर्फ नेशनल चेन्स में ही 5.5 लाख से ज्यादा टिकट एडवांस में बुक किए गए थे।